इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज़ेब्रा फिंच को कौन से विटामिन्स देने हैं और किस तरीके से देने हैं कि जिससे बच्चे जो हैं बहुत हेल्दी हों और अंडे जो हैं वो ज़्यादा तादाद में दें। ये मेरा एक ज़ेब्रा फिंच का पेड़ है, ये बच्चे इसके सेल्फ होने वाले हैं और ये दोबारा अंडे देने वाला है, तो मैं इसको आज मल्टी विटामिन दूँगा। रैग्नम सिरप में यूज़ कर रहा हूँ। रैग्नम सिरप के अंदर बहुत सारे मल्टी विटामिन्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये मार्केट से आपको 150 रुपये तक का मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर से। इसको देने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। एक गिलास में थोड़ा सा आप पानी ले लें और हाफ़ चम्मच जो है रैग्नम सिरप का इसमें डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। बर्तन को आपने पानी से आधा भर लेना है और इसके अंदर 2 चम्मच मेडिसिन के डाल देने हैं मल्टी विटामिन्स के। डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको बर्तन को हिला लेना है ताकि जो है अच्छी तरह मेडिसिन मल्टी विटामिन्स मिक्स हो जाएं। बर्तन को मैंने अंदर जो है वो लगा दिया है। अब देखें, आधा घंटा आपने इनको प्यासा रखना है ताकि जैसे ही आप बर्तन रखें पानी का मल्टी विटामिन्स का तो ये पीना स्टार्ट कर दें। ये देखें आपके सामने, इन्होंने जैसे ही मैंने बॉक्स वो लगाया है तो इन्होंने पीना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से इनके अंडे भी बहुत ज़्यादा आएंगे, बर्ड भी हेल्दी रहेगा और इनके जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।